ये तो हमेशा हर साल करते हैं। इस बार मेरे ख्वाहिश है कि बहुत बड़ा करके करें। कोई भी आदमी आए ये चीज़ नहीं बोले कि हाँ हम ये चीज़ नहीं दिखा सका। इसीलिए आज पूरा चीज़ का इंतजाम है, कैंसर से लेकर आँख, आँख से लेकर के आपका दांत का, ENT, गैस्ट्रोलॉजी, गाइनोलॉजी, कोई डिपार्टमेंट बाद नहीं है यहाँ पर ही। और सब एक नंबर हॉस्पिटल, CMRI, नारायणा, मेडिका, SGC, सारा हॉस्पिटल का बड़ा बड़ा डॉक्टर आए हैं जिनका फीस 1,000, 2,000, 500 रुपया है। आज हम लोगों को मुफ्त इलाज करवा रहे हैं कि ताकि उन लोग को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँच सके। और आगे भी ऐसे ही मेरा ये है कि हम करवाते रहे और गरीबों को फ़ायदा मिलते रहे। अभी कॉन्सेप्ट है आदमी को, अभी हेल्थ के ही ऊपर सब कुछ है। अभी ज़्यादातर देखिएगा आदमी बीमार पड़ रहे हैं, एटमोसफियर अभी ख़राब हो रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हेल्थ के ही ऊपर रहता है कि कोई भी अगर हम किसी को अगर 500 भी फ़ायदा पहुंचा सके, थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा पहुंच सके आदमी को, तो हम सोचेंगे कि नहीं हाँ किसी का फ़ायदा हुआ है। और 500, 100, 200 रुपया अभी बहुत महंगा होता है आदमी के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए। ENT में है और आँख का आप बहुत ज़्यादा है, और ECG BCG में है, जी लेकिन मेन आँख का सबसे ज़्यादा है और जनरल मेडिसिन में ज़्यादा है। इसलिए अभी सर्दी खांसी बुखार का ये सब मामला चल ही रहा है। हम लोग दवा भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, सब कुछ फ्री है हम लोग का, टेस्ट भी मेडिसिन भी। कितना लोगों का? 1,000 आदमी का फुल पूरा ट्रीटमेंट है। 8 से 1,000 आदमी आएगा, 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। आप से भी आप लोग का माध्यम से भी अपील करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपना फ़ायदा लें, ठीक। उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम है। अब हम लोग का खाना बांटने का प्रोग्राम चलते ही रहता है, आगे भी खाना बांटने का प्रोग्राम है, इसका आगे भी एक हफ्ता आगे प्रोग्राम लिए। हम लोग का खाना का ऊपर मेन कॉन्सेप्ट और उससे सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है मेडिकल लाइन में, मेडिकल का हम लोग ऊपर ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि ताकि आदमी को फ़ायदा पहुँच सके। जो 100 रुपया बहुत महंगा आदमी के लिए, एक ब्लड प्रेशर टेस्ट कराने के लिए 85 रुपया 100 रुपया लग जाता है। हम लोग यहाँ से फ्री हो रहा है, उससे हार्ट अटैक होता है आदमी को, बहुत सारी चीज़ का मामला होता है। तो यही है जहाँ आने वाला है, जावेद भाई आने वाले हैं, माला राय आने वाली है, नदीम उल हक आने वाले हैं, अभी सब जैसे जैसे टाइम रहेगा उन लोग आएंगे, अपना सारा गेस्ट आते रहेंगे, ठीक है। আমাদের এখানে যে হেলথ চেকআপ চলছে এটা খুব প্রয়োজন আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য, বিশেষ করে যেসব আমাদের বস্তি এরিয়াগুলো রয়েছে ওখানে অনেক মানুষ অসহায়, যাদের আর্থিক সেভাবে সচ্ছলতা নেই। এখন চিকিৎসা ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ একটা বিজনেস, যেখানে আমরা সরকারি হসপিটালে লাইন দিয়েও আমাদের খুব অসুবিধা হয়, যেখানে মানুষ সারাদিন থেকেও ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট হয় না। একটা টেস্ট করতে দিলে মাসের পর মাস লেগে যায় ডেট পেতে, তার এই ডেট সেই ডেট করতে করতে তাদের সেই মতো মানে সময় মতো মানুষের চিকিৎসা হয় না। তাই আমরা চেয়েছি যে একটা মেডিকেল ক্যাম্প, যেটা হারিস ভাই বারবার করেন মেডিকেল, এটা যেটা হচ্ছে একেবারে মেগা ধামাকা বলতে গেলে, সব রকম টেস্ট, যে টেস্টগুলো বিশেষ করে করতে গেলে অনেক রকম অনেক খরচা পড়ে আর অনেক টাইম লাগে। আর তার জন্য আমরা প্রত্যেকটা বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে আমরা লিফলেট বিলি করে প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছি যে টেস্টগুলো করাতে, যে টেস্টগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ডক্টর ক্যাম্পের সব থেকে মূল্যবান হচ্ছে টেস্ট, যে আজকে আপনার কার্ডিওলজি টেস্ট চলছে, লাংস ফাংশন টেস্ট চলছে, BP, ECG, আর আপনার আছে সুগার টেস্ট চলছে, আর মেয়েদের আপনার যা এখন তো বাচ্চাদানিতে ক্যান্সারটা খুব মহামারী হয়ে গেছে, সেটার জন্য সার্ভাইকাল ক্যান্সার, তার জন্য যে টেস্ট চলছে স্ক্রিনিং টেস্ট, এটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ। এটা সব জায়গায় হয় না, সব ক্যাম্পেও হয় না, এখানে এগুলো যে চলছে আমরা সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা করছি। সবার কাছে অনুরোধ, আপনাদের মাধ্যমে আপনারা যদি প্রচার করেন তাহলে আরও আমাদের এটা ঠিকঠাকভাবে আরও সুন্দরভাবে হবে, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ঘরে ঘরে সাহায্যটা পৌঁছে যাবে, যেটা মানুষের জন্য করতে পারে না।